अगर आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन को एक बड़ी स्क्रीन देना चाहते हैं, यानी कि अपनी मोबाइल की स्क्रीन को अपने लैपटॉप या फिर पीसी से कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि इस मोबाइल में जो भी चल रहा है, यानी कि इसका जो स्क्रीन है वो आपकी लैपटॉप या फिर पीसी में दिखाई दे सेम टू सेम, तो इसी को बोलते हैं मिररिंग, यानी कि कास्टिंग। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कास्टिंग कैसे करते हैं, मिररिंग करते हैं कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप में बताऊंगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन को मिरर करने के लिए सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी में यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च बार में सर्च करेंगे कनेक्ट। कनेक्ट यहाँ पर सर्च करना है आपको। कनेक्ट सर्च करेंगे तो इस तरह का आइकन दिखेगा, वाईफाई टाइप का। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का स्क्रीन दिख जाएगा, यानी कि जो आपका डेस्कटॉप है उसका नेम यहाँ पर शो कर देगा और वायरलेस के लिए ये कनेक्ट रेडी हो जाएगा, राइट। तो अगर आपकी स्क्रीन पर, यानी कि आपके लैपटॉप या पीसी में इस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगेन आपको सर्च बार में सर्च करना है सेटिंग, यानी कि आप अपने लैपटॉप की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको सिस्टम दिखेगा पहले, उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन आएगा ऐप्स का, ऐप्स पर क्लिक करेंगे। ऐप्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको ऑप्शनल फीचर्स में जाना है। ऑप्शनल फीचर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है इंस्टॉल फीचर्स, जो कि आपकी लैपटॉप या फिर पीसी में इंस्टॉल है वो यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ पर चेक करना है कि क्या आपका वायरलेस डिस्प्ले यहाँ पर है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पर वायरलेस डिस्प्ले है इंस्टॉल है, इसीलिए मेरे पीसी में इस तरह का ऑप्शन आ रहा है कि मैं अपने पीसी को मिरर कर सकता हूँ, यानी कि अपनी मोबाइल की स्क्रीन को अपने पीसी में मिरर कर सकता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंस्टॉल करना है। अगर आपकी लैपटॉप या फिर पीसी में वायरलेस डिस्प्ले नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको ऐड एंड ऑप्शनल फीचर्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर व्यू फीचर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे आप वायरलेस डिस्प्ले, जैसे मेरा वायरलेस डिस्प्ले यहाँ पर है, तो आपको अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मोस्टली अगर आपका विंडो 11 है तब जाकर ये प्रॉब्लम होगी, इंस्टॉल नहीं होगा। विंडो 10 है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है कि विंडो 11 में ये प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर वायरलेस डिस्प्ले सर्च करना है, उसके बाद जैसे यहाँ पर देखिए विंडोज मीडिया प्लेयर है, यहाँ पर मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, सेम आप जैसे आपका वायरलेस डिस्प्ले इंस्टॉल करना है। तो मैं वायरलेस मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, उसके बाद इंस्टॉल कर दूंगा। ये मेरा यहाँ से इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद इसमें आ जाएगा। एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए आपको वाईफाई या फिर नेटवर्क की जरूरत पड़ सकती है, तो यहाँ पर आप अपना वाईफाई कनेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉलेशन करने कीजिएगा। मेरे केस में अभी वाईफाई कनेक्ट नहीं है, सो दैट ये कुड नॉट इंस्टॉल, यानी कि इंस्टॉल नहीं हो पाया। आपको इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करने के बाद इसमें आ जाएगा, राइट। इसमें आने के बाद आपको बैक जाना है अगेन, और उसके बाद यहाँ पर फिर से सर्च करना है कनेक्ट। यहाँ पर जैसे कनेक्ट पर क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद इसको छोड़ देना है। अब आना है आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। अब काम हमको अपनी मोबाइल में करना है। मोबाइल में आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नोटिफिकेशन बार को नीचे खींचना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि स्क्रीन मिररिंग या फिर कास्ट का ऑप्शन होगा। तो मेरे मेरे मोबाइल में कास्ट का ऑप्शन आ रहा है, हो सकता है कि आपके मोबाइल में स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन आया, अलग मोबाइल में अलग अलग आता है, राइट। तो कास्ट या फिर स्क्रीन मिररिंग एक ही चीज़ हो गया। कास्ट पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद या इसके सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर ये सर्च नहीं कर पा रहा है, जो भी मेरा डेस्कटॉप है इसको सर्च नहीं कर पा रहा है, राइट। तो मुझे क्या करना है, इस थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे एंड इनेबल वायरलेस डिस्प्ले, यहाँ पर इसको ऑन कर लेंगे। ऑन करते ही आप देख सकते हैं कि मेरा डेस्कटॉप यहाँ पर आ गया है। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे सेटिंग पर और यहाँ पर डन कर देंगे। डन करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, राइट। डन करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा डिस्प्ले, यानी कि मोबाइल का स्क्रीन मेरे डेस्कटॉप से कनेक्ट हो चुका है। चलिए मैं एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पर वीडियो प्ले करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे मोबाइल में वीडियो चलेगी सेम मेरे डेस्कटॉप पे भी चलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अब रोटेट भी कर सकता हूँ। देखिए इस तरह से रोटेट कर दिया और लैगिंग थोड़ी बहुत आती है, अगर आपने मोबाइल को ढंग से रख दिया, अच्छी जगह रख दिया, तो पूरा का पूरा कोई भी लैगिंग नहीं आती है। सेम मोबाइल या फिर पीसी एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और सेम जो आपके मोबाइल में चलता है आपकी पीसी में भी चलता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को अपने लैपटॉप या फिर पीसी में कनेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। अगर आप जो मैंने बताया जिस तरीके से बताया उस तरीके से को फॉलो करते हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।